हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है अभी इस वक्त। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे वो अभी इस वक्त आपके बारे में। तो उनसे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो जब भी आपके सामने शो होती है। ठीक है, तो क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स जिनके बारे में आपको जानना है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो? क्या है उनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके पार्टनर अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? ये आपसे कहना चाहते हैं, ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती हमेशा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं आप इनके सच्चा दोस्त हमेशा रहे हो, ये आपके ट्रू फ्रेंड है बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप फ्रेंडशिप को अलाउ करो, ये चाहते हैं इस रिश्ते में वर्क करना, ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपको दिखाएंगे कि ये आपके ट्रू फ्रेंड है। ये आपसे मिलने की भी बातें कर सकते हैं। किसी तरह का पार्टी हो रही है इनके लाइफ में तो आपको इन्वाइट कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कि मैंने कहा कि मिलने की बातें कर सकते हैं, आपके पार्टनर मिलने को भी आ रहे हैं आपसे, ये चाहते हैं आपसे मिलना, ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं। फुल मून तक मुझे आप दोनों के बीच मीटिंग दिखाई दे रहा है, फुल मून तक आप दोनों के बीच किसी तरह का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में आ रहे हो, काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, एक दूसरे का साथ पाकर, एक दूसरे का प्यार महसूस करके। एट ऑफ पेंटिकल्स, वही आप अपने करियर में भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, इस रिश्ते में अपना 100% देने की कोशिश करोगे आप बिल्कुल। अगर ये एक कदम बढ़ा रहे हैं आपकी ओर आ रहे हैं तो आप ही पीछे हटते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आप दोनों के बीच मुझे प्यार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपका जो कनेक्शन है वो ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के पास ऑप्शंस है, इनके पास भी लड़के लड़कियों की कमी नहीं है, वहीं आपके पास भी, क्योंकि अगर ये आपसे दूर हैं, इनके अलावा कोई और भी है जो कि आपसे प्यार करता है, चांसेस है इनसे भी ज़्यादा प्यार करता है, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी तक कन्फेस नहीं किया है। तो आप जाने अनजाने में उनकी ओर बढ़ रहे हो। आपका फोकस तो कैरियर पर है या आपका फोकस इन पर है, आप इनके बारे में सोच रहे हो, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप थी, अपने फ्रेंडशिप को एक नाम देना चाहा, रिश्ता बनाना चाहा, यानी कि उस फ्रेंडशिप में लव था पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा हुआ कि दोनों की राहें चेंज हो गई, बदल गई। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपसे बहुत प्यार करेगा या तो ऑलरेडी करता है या करती है, जाने अनजाने में आप मिलने जा रहे हो। आपके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर या इनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा? लव लाइफ इसलिए कहा मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, टच में नहीं हो, ऐसा चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे राइट नाउ अलून दिखाई दे रहे हो, सिंगल दिखाई दे रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ में आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पास्ट में हो सकते हैं या कहना चाहिए किसी को पसंद करते थे, प्यार करते थे, पर वो आपसे दूर हो गया या हो गई, तो राइट नाउ मुझे आप अलून दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो चेक करते हैं क्या होगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, चाहे आप किसी के साथ टच में हो, कांटेक्ट में हो, बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही है, क्या होने वाले है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, क्या हो सकता है? क्योंकि किसी का तो नज़र है, वर्ल्ड आपकी वर्ल्ड कंप्लीट होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेलिब्रेशन, सक्सेस रिश्ते में, सक्सेस सक्सेसफुल पर्सन, आप अपने कैरियर में सक्सेस चाहते हो,
या शादी में नहीं फेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, चाहते हो आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करे, आपके लिए स्टैंड ले, एक्शन ले, वो लेंगे। ये रिश्ता है वो ग्रोथ करे, सक्सेस की ओर जाए, डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्रोथ होगी। ठीक है, मुझे लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पर उसी पर्सन के साथ आपका कंप्लीशन हो रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई मैनिफेस्ट हो रहा है आपसे और वो राइट पर्सन हो रहा है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस हो सकते हैं, दोनों ही पर्सन एक ही शाइन के हो सकते हैं। आप किसी के बेबी के फादर मदर बनने जा रहे हो, मदर बनने वाले हो। आपको आपके इंतज़ार का फल मिलने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। आप मुझे किंग या क्वीन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। कोई आपको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है, रख रहा है, आप खुद हो। आप मुझे प्रेग्नेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये किसी को आप करोगे, यानी कि मुझे बेबी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है किसी के आने से, ग्रोथ की ओर जा रहा है आपका रिश्ता। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, किसी के हस्बैंड वाइफ हो, उनके साथ आपका रिश्ता कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन की ओर जा रहा है, ग्रोथ की ओर जा रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो। ठीक है, और क्या होने वाला है आपके रिश्ते में नेक्स्ट? यही कहा था मैंने, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है, आपका लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो आप पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे थे, ग्रांटेड ले रहे थे, ये इग्नोर आप हो रहे हो ऐसा महसूस कर रहे थे। ये इनका फोकस किसी और चीज़ पर था, प्रायोरिटी इन्होंने किसी और को दे रखा था, अभी आपको देंगे, आप पर फोकस बना कर रखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आप पर। टू ऑफ कप्स आए हैं, मैं यही कहना चाह रही थी, उनसे आपकी मिलन हो रही है, यूनियन में आ रहे हो, जो आपका लव है। तो चलिए गाइस, आपके पार्टनर का कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? उनको क्या मैसेज देना है आपको? यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, ये और आप हमेशा रहोगे, हमेशा के लिए। फॉल इन लव, आपके लव में है, आपके प्यार में है ये। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ, यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन, यू आर माई सनशाइन, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू हो आप इनके। With a warm hug, I want to tell you that my love for you is real. Warm hug के साथ आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, फील कराना चाहते हैं आपको, इनका प्यार आपके लिए रियल है, सच्चा है। You are unique, you are caring and you are the best and I am the luckiest to have you in my life. आप यूनिक हो, caring हो, आप बेस्ट हो, ये काफ़ी लकी हैं कि आप इनके लाइफ में हो। यहाँ पर साइंस आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मुझे मिली है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।